हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं वीवो T3 डिवाइस के अंदर आप वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग कैसे करें। दोस्तों आप अपने फ़ोन में वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो चल गए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वाईफाई हॉटस्पॉट तो होता है आप अपने इंटरनेट को किसी दूसरे फ़ोन में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों जो आपका इंटरनेट है अगर एक फ़ोन के अंदर है आप अपने इंटरनेट को अपने हॉटस्पॉट के जरिए किसी दूसरे फ़ोन में शेयर कर सकते हैं और दूसरे फ़ोन में अपने इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। दोस्तों बहुत लोग इस सेटिंग को यूज करते हैं अपने हॉटस्पॉट को, लगभग लगभग सभी लोग यूज करते हैं। दोस्तों वाईफाई हॉटस्पॉट के अंदर बहुत सारे सेटिंग हैं जिसको इनेबल करके यूज करना होता है। वहाँ पर पासवर्ड लगाना होता है और उसके अलावा डाटा लिमिट, कनेक्शन मैनेज और भी सारी चीज़ें होती हैं जिसको वहाँ पर इनेबल करके यूज करना होता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप कैसे इनेबल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, चलिए अपनी सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम अपने सेटिंग को ओपन कर लिए। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग यहां पे ओपन हो जाता है और थोड़ी सी आपको नीचे आना है और यहां पे आपको मिल जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो आपको इस पे क्लिक करना है ये वाला ऑप्शन पे। और जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं यहां पे आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आएंगे। यहां पे ऑप्शन आपको मिलता है हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग, तो आपको इस पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाईफाई हॉटस्पॉट, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलता है ओप, जो हमारा हॉटस्पॉट है अभी यहाँ पे ओप है, तो आपको इनेबल करने के लिए ये बटन इनेबल कर देना है और तुरंत इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे QR कोड भी शो हो जाएगा। दोस्तों आप अपने वाईफाई में स्कैन करके जो हॉटस्पॉट का QR कोड है उसको स्कैन करेंगे तो आपको पासवर्ड नहीं देना होगा, डायरेक्टली वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है हॉटस्पॉट नेम, तो आप यहाँ पे अपने हॉटस्पॉट नेम को ऐड कर सकते हैं। आप किसी को इंटरनेट शेयर करेंगे तो वहाँ पे जो आपका डिवाइस है वाईफाई जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो हमारा हॉटस्पॉट है क्या है क्या नहीं है, जो नाम आप ऐड करेंगे वो चीज़ यहाँ पे शो करेगा। आपको अपने नाम को यहाँ पे ज़रूर ऐड कर लेना है, कोई भी नाम यहाँ पे ऐड कर लेना है और यहाँ पे हम कुछ नाम जैसे ऐड कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे आपको भी अपने नाम को इस तरह से कुछ ऐड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ओके करना है, ये नाम यहाँ पे सेट हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है सिक्योरिटी का ऑप्शन, तो आपको अपने हॉटस्पॉट में सिक्योरिटी लगाना भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको क्या करना है सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको अपने हॉटस्पॉट में सिक्योरिटी नहीं लगाना, कोई पासवर्ड नहीं लगाना है, ऐसे अपने हॉटस्पॉट को यूज करना है तो आपको यहाँ पे नोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप अपने हॉटस्पॉट में सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर में तीनों ऑप्शन मिलते हैं, तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो हम जैसे ये वाला ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आपको मिल जाएगा हॉटस्पॉट पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे हॉटस्पॉट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड ऐड कर लेना है, कोई भी पासवर्ड आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन आएगा, आपको ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करेंगे जो आपका हॉटस्पॉट पासवर्ड यहाँ पे लग जाएगा। नीचे आपको मिलता है वन टाइम मोबाइल डाटा यूज लिमिट, जो आप डाटा शेयर करेंगे उसमें लिमिट लगा सकते हैं, कितना आपको डाटा शेयर करना है ये चीज़ आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और ऊपर में आपको मिलता है अनलिमिटेड, अगर आपको चाहे जितना इंटरनेट शेयर करना है तो आपको अनलिमिटेड यूज करना है। अगर आप यहाँ पे सेटिंग करना चाहते हैं 50 MB, 100 MB, 200 MB, 500 MB इस तरह से, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई गिनती ऐड करना है अपने MB में तो आपको कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है जो भी गिनती आपको ऐड करना हो, यहाँ से आप इसको टाइप करेंगे और इसके बाद इतना ही डाटा आपका जो हॉटस्पॉट है वो शेयर करेगा और इसके बाद बंद कर देगा और यहाँ से हम इसको ओप कर देते हैं। यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, ओके कर देते हैं, ये सेट हो जाता है। नीचे आपको मिलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन, दोस्तों आप कितना वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं अपने हॉटस्पॉट से ये चीज़ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे कितना वाईफाई कनेक्ट करना है ये चीज़ यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लगभग 10 कनेक्शन यूज़ करने को मिलता है तो आप 10 वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 2-4 करना है तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 4 पे कर दिए तब यहाँ पे 4 पे सेट हो चुका। अब हमारे हॉटस्पॉट में सिर्फ 4 ही वाईफाई कनेक्ट होगा, 5वां नहीं होगा। नीचे आपको मिलता है टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली, दोस्तों कभी कभी क्या होता है हम अपने हॉटस्पॉट को ऑन कर लेते हैं और वहाँ पे वाईफाई नहीं कनेक्ट करते हैं, ऐसे टाइम में जो हमारा हॉटस्पॉट है ऑन रह जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं यहाँ पे तो जो आपका हॉटस्पॉट अगर ऑन रह जाएगा तो
ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा, 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं और अपने हॉट स्पॉट को ऑन करके छोड़ेंगे तो वो 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर वहाँ पे वाईफाई नहीं कनेक्ट होगा तो 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन में वाईफाई हॉट स्पॉट सेटिंग करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।